लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। चुनाव के बाद का स्पेशल शो जिसमें हम सब लपेटे जा चुके हैं, अब सरकारें बन चुकी हैं, तीन जगह चुनाव हुआ, तीनों पार्टियों ने एक एक जगह बांट ली और अब कैसे लपेटे जाएंगे पार्टियों के नेता वो तो कवियों को देखना है जो दो खेमों में बटे हुए हैं। हमने बांटे हुए हैं, खुद नहीं बटे हुए हैं, इसलिए मंच पर मौजूद दमदार बनारसी, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ गौरव चौहान, अनिल अग्रवंशी और विनीत पांडे नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वेश जी, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य जी का स्वागत है, और रिकॉर्ड तोड़ पार्टी बीजेपी से शहजाद पूनावाला। गौरव जी, आप करेंगे शुरू? हाँ, मैं इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि सर्वेश जी, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और ये उसी प्लानिंग का हिस्सा था गुजरात में। आपको चुनाव ना नहीं जीतना था, लिख के तक दे दिया था केजरीवाल जी ने कागज पर, ये मैं लिख रहा हूं, पढ़ लो, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन हुआ क्या, पंजे की प्लानिंग फेल है, झाड़ू के धागे टूटे हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह, फ्री के लालच में फंसे नहीं गुजराती बड़े अनूठे, फ्री के लालच में फंसे नहीं गुजराती बड़े अनूठे हैं। बच्चा बच्चा विपक्ष के कानों में ये कहता है गुजरात में मोदी जलवा है, गुजरात में मोदी जलवा है। और जिस तरह महान ज्योतिषाचार्य बन गए थे केजरीवाल जी, सर जी ने दावे किए थे, सौ जी धरी रह गई एस्ट्रोलॉजी, झाड़ू वाले, और ये पंक्ति देखो कविता की आ रही है, बोलो भैया, कि झाड़ू वाले बड़बोलों ने पांच सीट ही पाई और 56 इंची के सीने की 156 आई, 56 इंची के सीने की 156 आई, जिनकी जब्त जमानत उनके बीच यही चर्चा है गुजरात में मोदी जलवा है। वाह भाई, वाह 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 वाह, आपको आना ही नहीं चाहिए था गुजरात में।